पिछली दफा मुझे फ्रांस से पकड़ के लाए साइकिल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एजाज है और आज है ईद का दिन और सबसे पहले आपको ईद मुबारक। सेकेंडली ये कि आज हमने जाना था कोवेंट गार्डन। कोवेंट गार्डन जाने के लिए जो हमारा ट्यूब स्टेशन था, हमने वहाँ से ट्रेन ली। हमें पता चला कि ये जो ट्रेन है ये एंड स्टॉप तक नहीं जा रही जहाँ इसको जाना चाहिए था, तो ये एक स्टॉप पहले टर्मिनेट हो रही थी, तो हमें वहाँ उतरना पड़ा और हमें वहाँ से वॉक करनी पड़ी। तो हमारा ये जो वॉक का सिलसिला शुरू होता है ये वाटरलू स्टेशन से होता है। तो वाटरलू स्टेशन से हमने शुरू की वॉक। यहाँ से अब हम वॉक करते हुए थेम्स रिवर को टच करेंगे। थेम्स रिवर के बाद हम चेरिंग क्रॉस, ये तो अब मुझे पता चला है कि आगे जाके चेरिंग क्रॉस आ रहा है। चेरिंग क्रॉस के बाद आता है ट्रफाल्गर स्क्वायर। ट्रफाल्गर स्क्वायर के बाद हमें खाने के लिए जाना था आगे। तो आपको पहले सबसे पहले ये वॉक इंजॉय करवाता हूँ, फिर अगली बातें आगे जाके बताता हूँ। कितना सन्नाटा ही सन्नाटे का उल्टा कर दिया। गाइस जस्ट वॉक करता जा रहा हूँ। पहले मैंने जाना था पीछे थेम्स रिवर की तरफ, लेकिन मैंने कहा थेम्स रिवर के ब्लॉग बहुत ज़्यादा हो गए, अभी एक नई जगह पर आया हूँ, मैं खुद भी नहीं पहले आया, एक्सप्लोर करते हैं क्या है। आए
सरप्राइज दूं, पता है मैं कहा हूँ? डंडन है मंथ अगेन एट ट्रफाल्गर स्क्वायर। और आप भी कह रहे हो घूम फिर के फिर वहीं आ जाता है यार। मैं एक्चुअली मुझे उस रास्ते का नहीं पता था, मेरे दोस्त को पता था, तो हम वॉक करना चाह रहे हैं, वॉक करते करते इस साइड पर निकल आए, विच इज़ नाइस एक्चुअली, जगह एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। तो ईद वॉक है, ईद वॉक के ऊपर सब आज जायज़ है, लेकिन मैं पहुँचूंगा ट्रफाल्गर स्क्वायर, और ट्रफाल्गर स्क्वायर में आप कह रहे हो कि इसकी पता नहीं क्या, सच सीरियसली कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, लेकिन यहाँ पे आ गया हूँ। एनीवे रश बहुत है अभी, ये देखो और आज गर्मी भी बहुत है, बहुत आज गर्मी बहुत है, और यहाँ के हवाले से बहुत गर्मी है यार। रात को कल हवा चलना शुरू हो गई थी, शाम इसकी थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, लेकिन इस टाइम तो बॉस फ्यूज़ जो है ना उड़ गया हुआ है। एनीवे कुछ पीते हैं पानी वगैरह, कुछ जूस टाइप, ताकि ज़रा थोड़ा सा सुकून मिले, ठीक है। और गाइस अभी खाना भी खाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो ईद है ना ऐसी, ये मेरे पास कनाडा की एम्बेसी चल रही है, ये कैनेडियन फ्लैग। तो यहाँ पर जो ईद है ना, ईद इज़ लाइक दैट, ईद हमारी कंट्रीज में ही है, यहाँ पे खुद ईद मनानी पड़ती है। पाकिस्तान में तो आप ने कपड़े पहनने ना, दोस्त मिलने आ गए, आप मिलने चले गए, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें खुद बनानी पड़ती हैं। तो आज दिन में सोचा मैं वॉक बड़ी लंबी करनी है, मैं अपना वॉच चला लूँ वॉक के लिए, हेडिंग टू मसाला जोन। इनकी जो बिरयानी है ना बॉस टॉप, लेकिन अच्छी है, शायद आपको पसंद भी है। ये बंदा देखे कितने ऊपर घोड़े पे बैठा, दिख ही ना जाए पर नीचे दरख्त के, तो हवा चल रही है, सुकून बॉस। ये दोस्त वाजिद आपको ईद मुबारक कहना चाह रहे हैं, मिस्टर वाजिद। और वाजिद बड़े दिनों बाद आपके लोग आपको देख रहे हैं, सुनाई कहाँ गए मैं? आप यहीं हूँ, बिजी रहता हूँ, बिजी रहते हैं। आपकी जिम कैसी चल रही है? बस यार अभी बस क्या बोले, चल रही है इतना बोल सकते। हाँ वाजिद जो है बड़ा जिम फ्रीक रहा है, आजकल छुट्टियाँ कर रहा है, पता नहीं साइकिलिंग ज्यादा करता हूँ मैं, ताकि वो फिटनेस है मेरी, नो कार्डियो ज्यादा कर रहा है, लव साइकिलिंग, काफी दूर दूर निकल जाता है। पिछली दफा मुझे फ्रांस से पकड़ के लाए साइकिल, थोड़ा ज्यादा हो गया, पर आपके पास भी टाइम नहीं है कुछ भी नहीं करने का, निकल जाओ साइकिल लेके, जितना हो सके निकल जाओ, निकल जाओ। जो रेमेडी बोलते हैं ना वो है ये हो गई स्विमिंग हो गई, दीज आर द बेस्ट कार्डियोज आई थिंक। ये थे मिस्टर वाजिद, और वाजिद आज ईद पर लेकर, वाजिद का थैंक यू, वाजिद ने एक प्लान बनाया हुआ, सिर्फ कहीं बाहर निकलते हैं, तो आज निकले, जब हम बाहर निकले तो बहुत गर्मी थी, बहुत ही गर्मी है बॉस। टेलीफोन बूथ याद होगा आपको, वी आर हेडिंग टू कोवेंट गार्डन। अब हमें कह रहे हैं रेस्टोरेंट है इस साइड का, तो हम उधर से जा रहे हैं इस तरफ। यार पीने को कुछ लेमनेड टाइप चाहिए, और मुझे चाहिए था आज वाइट कलर की थिन शर्ट पहनता आज। वो सामने चाइना टाउन, इस शेक शैक में हम आए हुए हैं, मैं और हसन एक ब्लॉग में आए थे जब हम रात के टाइम आवारा गर्दी कर रहे थे, राइट ले तो लेस्टर स्क्वायर, सामने चाइना टाउन, इधर मेरे पिछले ब्लॉग्स में था पिकडिली सर्कस, और ये है लेस्टर स्क्वायर। रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, यहाँ से जो है हम खाना खाएंगे, फिर हम थोड़ी और डिफरेंट चीज़ें देखेंगे आज, ये बहुत लंबी वॉक करनी है, अभी तो कुछ भी नहीं किया ये देखें। गाना सुनाया आपको, आए तो उसने गाने ही बंद कर, थैंक यू सो मच, वो गाना गा रहे हैं, हम पहुंचे गाना ही बंद हो गया। तो लेस्टर स्क्वायर स्टेशन, यहाँ से भी हमने वॉक करके पिकडिली गए हुए थे, ट्रफाल्गर स्क्वायर गए हुए थे, सॉरी, तो याद होगा मेरे सारे व्लॉग आप लंदन कवर कर रहे हैं, आपने अगर लंदन देखना है ना शुरू से देखें, मेरी सारी व्लॉगिंग देखें। Guys, like, subscribe, share, and share. Leicester Square Station जो है ना, उसके
की बैक साइड, स्टेशन की बैक साइड का रोड है और हम जा रहे हैं पीछे से। स्काई इज क्लियर, ब्लू स्काई। यहाँ से हमें ये भी लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा इस रोड से। देखिए भूख इंसान से क्या क्या करवाते हैं। आज तो आप मेरे ख्याल से तिक्के छिक्के पे रगड़ रहे हो गए आप, यू नो दे रेमो। इसका मैप जरा थोड़ा सा ख़राब हुआ है, अब हमें जाना ही। अरे तो कचौड़ी दिखा रहा है क्या? आप इधर दिखा रहा है, रुक जा मुझे दे। Yards, turn left on James Street. कॉमेंट गार्डन वाली साइड है, यहाँ पर भी हम कभी नहीं आए व्लॉगिंग करने। आज कॉमेंट गार्डन भी कवर होगा, बड़ी मजेदार प्लेस है। मैं एक दफ़ा ना एप्पल के स्टोर में आया था इधर, सो आई वॉन्टेड टू चेक द प्राइस फॉर मैकबुक। इट वॉज इन 2013 में। भाई इधर आई, एक सेकेंड। You've just arrived. I have an accent. This time my show is set. 1 minute's time. यानी कि मेरा मैप काम कर रहा है। पहुँच गए, पहुँच गए। ये सामने आ चुका है रेस्टोरेंट। चल 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 चल। थैंक यू सर। So guys, khana was really good. I'll show you the Covent Garden in my next episode. So like, share, and I see you in my next vlog. Allah Hafiz.